हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पीएम मोदी जी के दौरे से पहले दौसा में 1000 किलो विस्फोटक हुआ बरामद। जी हां दोस्तों, होना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन, बड़ी खबर। जी हां, और साथ ही साथ बताएंगे जहां मॉस्को में अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को सुना दी खरी खरी, बताएंगे पूरी बात आपको। और साथ ही साथ बताएंगे कैसे भारत से पंगा अब नहीं लेना चाहता अमेरिका। जी हां दोस्तों, भारत के सामने झुकता हुआ दिखाई दिया है। तो दोस्तों हर तरह की खबर आपको बताएंगे, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते और मानते कि पूरे विश्व में भारतीय सेना नंबर वन सेना है और अब ये बात दुनिया भी मानती है और मेरा भारत महान है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पीएम मोदी जी के दौरे से पहले दौसा में पकड़ा गया 1000 किलो विस्फोटक। जी हां, एक शख्स हुआ गिरफ्तार। बता दें राजस्थान के दौसा में 1000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसके कब्जे से 65 डेटोनेटर और 13 तार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रारंभिक जांच के दौरान पता चला है कि यह विस्फोटक अवैध खनन में इस्तेमाल किया जाना था। गौरतलब है कि दौसा में 12 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन करने आ रहे हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसी बीच गुरुवार को पुलिस की नाकाबंदी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। इसमें 65 डेटोनेटर, 360 विस्फोटक गुल्ले, 13 कनेक्टिंग वायर बरामद किए गए हैं। ये बरामदगी भांगकरी रोड से हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेश मीणा के रूप में हुई है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीएम मोदी जी 12 फरवरी यानी परसों को एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने यहां आएंगे। ये पहला एक्सप्रेसवे होगा जो करीब 12 लेन का बनाया जाएगा। इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चल सकेंगी। अहम बात यह है कि अब दिल्ली से जयपुर और दौसा पहुंचने में मात्र 2 घंटे का समय लगेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर जब बनकर पूरा हो जाएगा तो दिल्ली से मुंबई सिर्फ 12 घंटे में पहुंच सकेंगे। जी हां दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर यही है दोस्तों कि पीएम मोदी जी के वहां यात्रा से पहले 1000 किलो जो ये विस्फोटक मिला है दोस्तों, आखिर इनका मंसूबा क्या था, किस चीज को उड़ाने का मंसूबा था, ये तो जांच में ही पता चलेगा। बहरहाल दोस्तों आपको जो भी लगता हो कमेंट में लिखकर बताइएगा, लेकिन कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां मॉस्को में अजीत डोभाल ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी, कहा आतंक के लिए अफगानिस्तान के इस्तेमाल की इजाजत किसी को नहीं। जी हां, रूस की राजधानी मॉस्को में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान पर एक सुरक्षा संवाद में पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई। इसमें बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा मानकों पर भी चर्चा के दौरान अजीत डोभाल जी ने पाकिस्तान को का नाम लिए बगैर सीधा संदेश दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी देश को अफगानिस्तान की जमीन का आतंक के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत जरूरत के वक्त अफगान के लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। मॉस्को में अफगानिस्तान पर 5वीं क्षेत्रीय चर्चा में एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि किसी देश को अफगान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की अनुमति ना दी जाए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल पहले अफगान लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। अजीत डोभाल ने कहा कि अफगानिस्तान एक मुस्लिम दौर से गुजर रहा है और भारत के अफगानिस्तान से ऐतिहासिक और खास संबंध है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की खुशहाली और मानवीय आवश्यकता भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है और नई दिल्ली जरूरत के वक्त अफगानिस्तान के लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। जी हां, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आतंकवाद एक बड़ा खतरा बन गया है। इस्लामिक स्टेट तथा लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से निपटने में संबंधित देशों तथा उसकी एजेंसियों के बीच खुफिया और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के बाद रशिया मैराथन दौरे पर भारत के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोभाल मॉस्को में पुतिन से भी उन्होंने मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में मुलाकात की। इस दौरान डोभाल ने पुतिन के साथ विभिन्न द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चाएं की। दोस्तों रूस स्थित भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके बताया है कि एनएसए अजीत डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। जी हां दोस्तों, ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अजीत डोभाल समेत 7 देशों के एनएसए से क्यों मिले अचानक रशिया के राष्ट्रपति पुतिन। इसका जवाब दोस्तों आगे की खबर में आपको बताएंगे। बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत से पंगा नहीं लेना चाहता अमेरिका, रशिया से तेल की खरीद को लेकर किया
किया ये ऐलान बता दें, रशिया यूक्रेन के बीच जारी जंग के चलते जहां अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखा है, तो वहीं इस आपदा को अवसर में बदलते हुए भारत रूस से सस्ती कीमतों पर तेल खरीद रहा है। हालांकि भारत के इस कदम पर पश्चिमी देश सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। इन सब के बीच अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे को लेकर भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने वाला है। कुछ देशों की तरफ से भारत पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के असिस्टेंट सेक्रेटरी केरेन डोन फ्राइड ने प्रेस वार्ता से बात करते हुए यह साफ कर दिया है कि अमेरिका भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाने वाला। उन्होंने कहा, भारत के साथ हमारे रिश्ते काफी महत्वपूर्ण है। हम भारत के उस कदम का भी स्वागत करते हैं जब उसकी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता दी गई थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत की तरफ से रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की अपील की गई थी, अमेरिका उसका भी स्वागत करता है। दरअसल अमेरिका आर्थिक तौर पर रशिया को बेहद कमजोर कर देना चाहता है, इसीलिए रशिया की तेल सप्लाई पर चोट करना उसका उद्देश्य है। लेकिन जब इस मुद्दे को लेकर भारत से जुड़े रिश्तों की बात आती है तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने से ज्यादा उस रिश्ते को तवज्जो दे दी जो पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं। इस मामले में अमेरिका ने साफ किया है कि वो अपने कुछ नियम बदल सकता है लेकिन भारत का साथ नहीं छोड़ सकता। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका न केवल भारत का सुरक्षा साझेदार बनना चाहता है बल्कि उसकी असाधारण विकास गाथा में प्रमुख भागीदार भी बनना चाहता है। पेंटागन के प्रेस सचिव ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर ने बुधवार को महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों पर हाल में शुरू की गई भारत और अमेरिका की पहल से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए ये टिप्पणी की है। जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिका हर देश पर प्रतिबंध लगाना चाहता है दोस्तों जो रशिया की मदद कर रहा है, लेकिन भारत पर उसकी हिम्मत नहीं हो सकती न ही होती है कि वो भारत पर प्रतिबंध लगाए? आखिर ऐसा क्या है? क्या भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया है दोस्तों, या फिर अमेरिका कोई बड़ी चाल चलने वाला है? आपको क्या लगता है दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते अपनी राय अवश्य दीजिएगा। या फिर चीन सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है अमेरिका के लिए? देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां रूस ने भारत के सामने पाकिस्तान को बताया बौना। राजदूत ने कहा, कुर्बान करने को है हम तैयार पाकिस्तान को, भारत को लेकर। जी हां, रशिया ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि भारत उसका सच्चा दोस्त है। इसके लिए पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों का गला घोटने के लिए भी वो सदैव तैयार है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने बुधवार को कहा कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को अटूट बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ अपने रक्षा संबंधों का गला घोट दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि रूस कभी भी भारत को नुकसान पहुंचाने का कोई काम नहीं करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले रूस के मंत्री सर्गेई लावरो ने कहा था कि उनका देश पाकिस्तान का साथ नियमित सैन्य संपर्क बनाए रखेगा। तो वहीं बीते 30 जनवरी को पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने रूस के साथ पाकिस्तान के रक्षा और व्यापार सहयोग को बढ़ाने के लिए मॉस्को का दौरा किया था। हालांकि अब रूसी राजदूत ने बयान देकर सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। तो देखा आपने दोस्तों, इधर रशिया भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करने में तुला है, जबकि रशिया पहले से ही भारत का सबसे मजबूत दोस्त है दोस्तों, बिना इंटरेस्ट वाला दोस्त है, जो बिना किसी चाहत के दोस्ती रखते हैं। उसके बावजूद भी रशिया बार बार कहता है कि हम भारत के साथ रिश्तों को और मजबूत करना चाहते हैं, और इधर अमेरिका भी दोस्तों भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या अमेरिका रशिया वाली जगह कभी ले पाएगा भारत के लिए दोस्तों? देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा भारत की प्रगति को लेकर। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां भूकंप से तुर्की और सीरिया में जलजला, पीछे छूटी फुकुशिमा त्रासदी। अब तक 19,000 से ज्यादा की मौत बता दें। राहत और बचाव प्रयास के बीच गुरुवार को तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 19,300 के पार हो गई है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के 3 दिन बाद बेघर हो चुके हजारों लोग एक शिविरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। लोग कड़ाके की ठंड में भोजन और पानी के लिए चिल्ला रहे हैं। इस बीच राहत कर्मी मलबे के ढेर में दबी जिंदगी तलाशने में जुटे हैं। हादसे में जीवित बचे कई और लोगों को आज निकाल लिया गया। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के कारण जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 19,300 के पार हो गई है, जो कि ये संख्या जापान के फुकुशिमा में हुई त्रासदी के दौरान मरने वालों की संख्या से भी सबसे अधिक है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में ये आंकड़े आपको वाकई चौंका देंगे। 19,300 की मौत दोस्तों बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसी बीच आपको बता दें, जहां पर इस त्रासदी के वक्त दोस्तों भारतीय सेनाओं ने तुर्की का दिल जीत लिया है दोस्तों, तुर्की के नागरिकों का दिल जीत लिया है। तुर्की में ऐसे दिल जीत रही है इंडियन आर्मी, पहले
लगाया गले फिर किया किस। जी हाँ, हजारों जिंदगियां काल के गाल में जिस प्रकार से समा गई है, शहर के शहर खंडर में तब्दील हो गए हैं, किसी के सिर से पिता का साया उठ गया है तो कईयों की माँ की आंचल सुनी हो गई है, तो वहीं किसी किसी का तो पूरा परिवार ही मलबे में समा गया। शवों का निकालने का सिलसिला अब भी जारी है दोस्तों। तबाही के बीच कुछ चमत्कार भी हो रहे हैं। खंडर से अभी भी कुछ लोग जिंदा निकाले जा रहे हैं, उनमें बच्चों की मात्रा अधिक है। बता दें कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में तुर्की की एक महिला भारतीय महिला सैनिक को किस देते नजर आ रही है, और ये तस्वीर वाकई में दिल जीतने वाली है। आप भी ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, तुर्की में राहत एवं बचाव अभियान में शामिल भारत के एनडीआरएफ के एक दल ने गंजियातेव में मलबे से 6 साल की बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला, जिसके बाद पूरे तुर्की में हमारे भारतीय सेनाओं का, भारतीय एनडीआरएफ की टीम का जमकर समर्थन, जमकर तारीफ हो रही है दोस्तों। और ये लेडीज भारतीय महिला सैनिक को किस करती नजर आ रही है दोस्तों, इससे आप समझ ही पा रहे होंगे कि भारतीय सेना भारत में तो दिल जीतते ही है दोस्तों, दूसरे देशों में भी जाकर उनका दिल जीत कर आ रहे हैं। ऐसे में हमें गर्व है कि हम, हमारे पास भारतीय सेना है। ये बात दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा, साथ में जय हिंद जय भारतीय सेना मत भूलिएगा कहना। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां क्या भारतीय दूतावास पर है खतरा, अफगानिस्तान में बड़े हमले की आशंका, यूनाइटेड नेशन का बड़ा दावा। बता दें अफगानिस्तान में एक बार फिर हालात अशांत हो सकते हैं। खबर यह है कि ISIL के भारत, ईरान और चीन के दूतावास पर आतंकवादी हमले की करने की धमकी दी है। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी संगठन तालिबान और UN के सदस्य देशों के बीच रिश्ते कमजोर करना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ISIL यानी इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेंट खुरासान ने खुद को तालिबान का सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर स्थापित कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि वो ये दिखाना चाहता है कि तालिबान देश को सुरक्षा नहीं दे सकता। इसमें कहा गया है कि डिप्लोमेटिक मिशंस को निशाना बनाकर इस्लामिक स्टेट इन खुराक एंड द लेवेंट खुरासान तालिबान और क्षेत्र के सदस्यों के बीच रिश्ते कमजोर करना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहाँ बड़ा दावा कर गए पाकिस्तान के PM, पूर्व PM इमरान खान। कहा मेरी हत्या की योजना बना रहा तालिबान। जी हाँ, पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के लिए सिर दर्द बन चुके तहरीके तालिबान पार्टी को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़ा दावा किया है। इमरान खान का कहना है कि TTP उनकी हत्या की योजना बना रहा है। पूर्व PM के इस दावे ने पाकिस्तान में खलबली मचा दी। इससे पहले भी वो कई बार अपनी हत्या का षड्यंत्र रचे जाने का आरोप प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत उनके अन्य मंत्री पर भी लगा चुके हैं। हालांकि प्रतिबंधित संगठन पाकिस्तानी तालिबान ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के इस दावे को खारिज किया है कि संगठन के दक्षिण वजीरिस्तान प्रांत के सदस्य उनकी हत्या की योजना बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे में TTP का भी बयान आया है। TTP ने इमरान के हत्या की साजिश के दावे को पूरे तरीके से खारिज कर दिया है दोस्तों, और कह दिया है कि हमारा निशाना सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियां हैं, ना कि तुम। प्रतिबंधित तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि वो केवल देश के सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों को निशाना बना रहा है और वो किसी राजनीतिक हस्ती के खिलाफ नहीं है। दरअसल इमरान खान ने दावा किया था कि TTP उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। चलते हैं दोस्तों एक और खबर की तरफ, जहां UK और यूक्रेन के बीच फाइटर जेट्स की डील से तमतमाए रूसी राष्ट्रपति पुतिन। इशारों में सुनक को दे दी युद्ध की धमकी। बता दें रशिया और यूक्रेन की जंग के 1 साल होने वाले हैं, और इससे पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने ब्रिटेन जाकर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने UK से अनुरोध किया है कि वो रूसी सेना से लड़ने के लिए फाइटर जेट सप्लाई करें। जंग के बीच ये जेलेंस्की की पहली ब्रिटेन यात्रा थी। जेलेंस्की ने आगाह किया है कि अगर पश्चिमी देशों ने फाइटर जेट्स नहीं दिए तो फिर युद्ध और आगे बढ़ सकता है। इसी बीच जेलेंस्की की ब्रिटेन यात्रा से तमतमाए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने UK के PM सुनक को धमकी दे डाली। UK के PM सुनक ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेलेंस्की की अपील पर जवाब दिया। उन्होंने यूक्रेन को एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग देने से पहले यूक्रेनी वायुसेना को ट्रेनिंग पर जोर दिया। सुनक ने कहा कि अभी कोई भी वार्ता या विकल्प बंद नहीं है, लेकिन इस बात से रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पारा हाई हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर सुनक की सरकार ने यूक्रेन को जेट सप्लाई करती है तो फिर इसका जवाब दिया जाएगा। लंदन में रूस के दूतावास की तरफ से UK की को चेतावनी दी गई है कि UK ने अगर फाइटर जेट सप्लाई किए तो फिर यूरोपियन महाद्वीप और पूरी दुनिया में मिलिट्री और राजनीतिक तनाव बढ़ने पर ब्रिटेन को जिम्मेदारी लेनी होगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताते जहाँ यूरोपीय संघ के 27 देशों ने दिया जेलेंस्की को रशिया के खिलाफ समर्थन, पुतिन की चुनौती बढ़ गई है। जी हाँ, ब्रिटेन की यात्रा पर निकले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूरोपीय संघ के 27 देशों ने रूस के खिलाफ जंग में खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। इससे रशिया यूक्रेन की जंग और अधिक भीषण हो जाने की आशंका बढ़ गई है। दोनों देशों के बीच 24 फरवरी 2022
2022 को युद्ध की शुरुआत हुई थी। अब इसके एक वर्ष पूरे होने को है अभी तक यह युद्ध किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सका है। ऐसे में राष्ट्रपति जेलेंस्की को हमले की बरसी पर रशिया से बड़े हमले की आशंका सता रही है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बढ़ते हैं और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ किम जोंग उन ने मिलिट्री परेड में दौड़ाई परमाणु मिसाइलें। उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत देख अमेरिका भी हुआ हैरान। बता दें, उत्तर कोरिया ने दुनिया के सामने अपने मिसाइलों का जखीरा प्रदर्शित किया है। इतनी बड़ी संख्या में उत्तर कोरिया की परमाणु मिसाइलें देख कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर कोरिया का दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका के साथ पुरानी दुश्मनी है। उत्तर कोरिया के पास तो अमेरिका तक मार करने वाली इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइलें हैं। जी हाँ, उत्तर कोरिया ने सेना की 75वीं वर्षगांठ पर जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया है। रात में आयोजित किए गए परेड के दौरान उत्तर कोरिया ने अपनी मिसाइल उत्पादन क्षमता का प्रदर्शन किया। ऐसा पहली बार हुआ जब उत्तर कोरिया ने एक साथ इतनी बड़ी संख्या में परमाणु मिसाइलों को प्रदर्शित किया है। जी हाँ, चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर सऊदी अरब गोपनीय तरीके से कर रहा है ये खेल ग्रीस और मिस्र को की बड़ी पेशकश। बता दे, विजन 2030 पर काम कर रहे सऊदी अरब को लेकर न्यूज वेबसाइट पॉलिटिको ने एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी हथियाने के लिए सऊदी अरब ने ग्रीस और मिस्र को गुपचुप एक बड़ा ऑफर दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने ग्रीस और मिस्र के सामने पेशकश की है कि अगर वे उसके साथ मिलकर फीफा वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी के लिए दावा करते हैं तो वो दोनों देशों में नए खेल स्टेडियमों को बनाने का खर्चा उठाएगा। प्रस्तावित डील के मुताबिक सऊदी अरब को इसके बदले वर्ल्ड कप के 3/4 मैचों की मेजबानी करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहाँ 4 दिवसीय यात्रा पर जाफना पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री, राष्ट्रपति विक्रम सिंघे से करेंगे मुलाकात। बता दे, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुथन श्रीलंका की 4 दिवसीय यात्रा पर गुरुवार को जाफना पहुंचे और इस दौरान वो राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे और अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। यात्रा के दौरान मुरुगन जाफना सांस्कृतिक केंद्र श्रीलंका के लोगों को समर्पित करेंगे, जिसकी आधारशिला 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी। भारतीय उच्चायोग ने जानकारी दी कि मंत्री का जाफना पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। उन्होंने जाफना के सार्वजनिक पुस्तकालय में इंडिया कॉर्नर पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर आपको बता दें, टंग जाएगा क्या पाकिस्तान का राहत पैकेज, IMF के साथ वार्ता में अटका रोड़ा। जी हां दोस्तों, आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। वो लंबे समय से IMF के आगे गिड़गिड़ा रहा है, हालांकि कोई रास्ता साफ नहीं हो पाया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF से राहत पैकेज जारी कराने को लेकर जारी वार्ता में भी एक रोड़ा अटक गया है। गुरुवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों पक्ष बाहरी वित्त पोषण अनुमानों और सटीक घरेलू राजकोषीय उपायों पर बात नहीं कर पाए हैं। डॉन अखबार के खबर के मुताबिक पर्याप्त ऊर्जा लागत समायोजन सहित बाहरी वित्त पोषण अनुमानों और घरेलू बजटीय कदमों पर स्पष्ट योजना के साथ गुरुवार को IMF के अधिकारियों को मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज सौंप देना चाहता था, हालांकि पाकिस्तान ये नहीं कर पाया। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां गुरदासपुर में फिर घुसा पाकिस्तानी ड्रोन, BSF के जवानों की ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद लौटा, सर्च ऑपरेशन चलाया। जी हां, पाकिस्तान में बैठे तस्कर लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। बुधवार ड्रोन गिराए जाने की घटना के बाद अब गुरदासपुर सेक्टर में ड्रोन मूवमेंट देखने को मिली है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF के जवानों ने फायरिंग करके ड्रोन को वापस खदेड़ने में सफलता हासिल की है। मिली जानकारी के मुताबिक गुरदासपुर सेक्टर के अंतर्गत आती चौकी आदिया में ये ड्रोन मूवमेंट देखने को मिली। BSF जवानों ने रात के समय ड्रोन को भारतीय सीमा में आते हुए सुना। ड्रोन की मूवमेंट सुनने के बाद जवानों ने उसकी लोकेशन का पता लगाया और फायरिंग शुरू कर दी। दर्जन भर राउंड फायर किए गए, जिसके बाद ड्रोन वापस चला गया। जी हां दोस्तों, और उस घटना के बाद एरिया में सतर्कता को बढ़ा दिया गया है। सुबह होते ही इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। फिलहाल सरहद पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। अधिकारियों का कहना है कि सर्च पूरा होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिकी सांसद कृष्ण मूर्ति ने कहा कि चीन सरकार दूसरे देशों के अलावा अपने लोगों की भी दुश्मन बन चुकी है। जी हां, भारतीय अमेरिकी सांसद राजा कृष्ण मूर्ति ने बुधवार को कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी कई देशों के साथ साथ अपने ही लोगों के लिए दुश्मन बन गई है। उन्होंने कहा कि चीन री कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP को यह स्पष्ट करना एक चुनौती है कि उसका बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानून और दूसरों की संप्रभुता का उल्लंघन अस्वीकार्य है। अमेरिकी हवाई क्षेत्र में चीन के एक कथित जासूसी गुब्बारे के प्रवेश कर
करने के बाद कृष्णमूर्ति ने यह बयान दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा था कि चीन ने केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि 5 महाद्वीपों के कई देशों की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां अब भारतीयों को जल्द मिलेगा अमेरिका का वीजा। यूएस की सरकार ने लागू की प्रेसिडेंशियल कमीशन की सिफारिशें। जी हां, अमेरिकी सरकार ने प्रेसिडेंशियल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी है। इन सिफारिशों के लागू होने से अमेरिकी दूतावास में वीजा बैकलॉग खत्म होगी और लोगों को जल्द अमेरिका का वीजा मिल सकेगा। बता दें कि भारत समेत कई देशों में अमेरिका के वीजा के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, खासकर कोरोना महामारी के बाद। जब से अमेरिका ने कोरोना प्रतिबंधों में छूट दी है, तब से भारत से अमेरिका जाने वाले लोगों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से अमेरिकी दूतावासों में वीजा इंटरव्यू के लिए लंबी वेटिंग है और कई जगह तो ये इंतजार 800 दिन तक बढ़ गया है, जिससे छात्रों और पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों बढ़ते एक और खबर की तरफ, जहां लोकसभा में उठी पीएम मोदी जी को भारत रत्न देने की डिमांड। आखिर किस भाजपा सांसद ने उठाई ये मांग, बता दें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुमान सिंह डामोर ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में कहा है कि गरीबों के कल्याण की दिशा में काम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। डामोर ने सदन में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए ये मांग की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में आदिवासियों और गरीबों के कल्याण के लिए सबसे ज्यादा काम हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार की कई योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि देश के गांव-गांव में लोग प्रधानमंत्री का नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं, क्या उनको भारत रत्न नहीं मिलना चाहिए? मैं आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिलना चाहिए। ऐसे में दोस्तों जो भी भारतीय इस खबर को देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखते हुए, कार्यों के मद्देनजर दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए? देखते हैं हमारी भारत की जनता की क्या इस पर राय है और कितनी जल्दी मिलना चाहिए। दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां अयोध्या काशी के मुफ्त दर्शन कराएगी भारतीय जनता पार्टी। क्या ये हीरा दिलाएगा पार्टी को जीत? दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस संकल्प पत्र में पार्टी ने चुनाव जीतने के बाद बुजुर्ग लोगों को अयोध्या काशी की धार्मिक यात्रा के लिए आर्थिक मदद देने का आकर्षक वादा किया है। तो कॉलेज जाने वाली लड़कियों को मुफ्त स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा कर उन्हें आकर्षित करने की कोशिश की है। किसानों की सम्मान निधि में केंद्र की मदद के अलावा 2,000 रुपए की अतिरिक्त मदद और गरीबों को भूमि देने का वादा कर उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश की है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब 10 लाख रुपए तक का इलाज कराने और नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा, 50,000 करोड़ का निवेश लाकर त्रिपुरा की तस्वीर बदलने की बात भी संकल्प पत्र में कही गई है। वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या दर्शन के लिए आर्थिक सहायता भी भाजपा की आकर्षक घोषणाएं हैं, जिन पर मतदान प्रभावित हो सकता है। बहरहाल दोस्तों क्या इस कदम से भारतीय जनता पार्टी को बम्पर फायदा होगा? दोस्तों आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ देने के लिए, साथ बनने के लिए। जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।